जैसे जैसे दुनिया विज्ञान में आगे बढ़ रही है, दुनिया का नक्शा बदल रहा है, नई नई ऊंचाइयां छुई जा रही हैं, वहीं पाखंड का भी रूप बदलते जा रहा है। मुझे एक वीडियो मिला जिसे देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही, और जब आप भी देखोगे ना तो आप भी सोच में पड़े जाओगे कि इतने पढ़े लिखे समाज में भी इतने बड़े गधे और बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं। एक ढूंढो तो 100 मिलेंगे, पर इन चिलगोजों को पहचानना आम इंसान के बस में तो बिल्कुल ही नहीं है, बसरते आप अपनी आंखों से धर्म का चश्मा नहीं उतारते। ये वो गधे हैं जो बाबा की गुफाओं में जाकर धर्म की पर्ची पर विज्ञान लिखाकर आ जाते हैं और बाहर आकर लोगों को परोसने लगते हैं, जिसमें भोले वाले लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। कारण है उनकी आंखों पर धर्म की पट्टी का बंधा होना। तो पेशा ऐसे ही एक मास है जो अपनी विदेशी भाषा में लोगों को बड़े आराम से मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये महोदय, यार मुझे तो इसे महोदय कहने में भी हंसी आ रही है। ये बड़े आराम से धर्म में विज्ञान होने का दावा करते नजर आ रहा है और कहता है हम धर्म को अकेले नहीं बल्कि उसमें उसके विज्ञान को भी देखना होगा। और बस फिर क्या, दे कपोड़बाजी, दे कपोड़बाजी। आइए एक ऐसे कपोड़े से मिलवाता हूँ जो यूट्यूब पर एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार लोगों को धर्म के नाम पर अफीम चटा रहा है और अंधे भक्तों की भीड़ तैयार कर रहा है। और कौन है ये कपोड़ी, चलिए जानते हैं। ये महाशय हैं, द स्टिंग नाम से यूट्यूब चलाते हैं और कुछ ना कुछ धर्म से टपकाते रहते हैं। चलिए आप भी सुन लीजिए ये तथाकथित महोदय क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। 72% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, 12% इज अर्थ, 6% इज एयर, 4% इज फायर एंड द रिमेनिंग इज स्पेस। आपको इस बंदे को बताएं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी एलिमेंट से नहीं बनती है। अगर हम इसके एक एक एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करें तो हम पाएंगे कि जो वाटर है वो क्या है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये कोई तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है। इवन अर्थ भी एक यौगिक है। ये खुद ही 100 से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे में पृथ्वी को तत्व कहना सरासर गलत। आज 118 से भी ज्यादा तत्व खोजे जा चुके हैं और उसमें पृथ्वी का कोई नामोनिशान तक नहीं है। एक्चुअली एयर भी कई गैसों से मिलकर बनती है। वायु है क्या? एयर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कई अन्य गैस हैं और जल वाष्प होती है जिनका परसेंटेज बदलता रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो जितनी नाइट्रोजन अंदर जाती है उतनी ही बाहर भी आती है। अगर हम 20% ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे तो 16% ही बाहर आएगी। उसी तरह से हर एक गैस का परसेंटेज बदलता रहता है। अगर वाटर यौगिक है तो एयर भी मिश्रण है। ऐसे में एयर को ह्यूमन बॉडी का क्रिएटर कहा जाए तो 5वीं फेल होने का परिचय देना नहीं तो क्या है। ऐसे ही फायर को एक्सप्लोर करिए तो पता चलेगा आग एक प्रक्रिया है, एक घटित हो रही घटना है जिसमें पदार्थ हवा में मिलने वाली ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया कर और प्रकाश और गर्मी छोड़ती है। इसलिए हम आग को इंसानी शरीर का क्रिएटर नहीं कह सकते क्योंकि आग एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ईथर को एक काल्पनिक द्रव्य माना गया था, उसकी कल्पना की गई थी, पर दो महान वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और 1887 में प्रूव किया कि यह सिर्फ एक इमेजिनेशन है। न्यूटन ने कभी स्पेस को द्रव्य से स्वतंत्र माना था, पर आइंस्टीन की आपेक्षिकता के सिद्धांत ने ये प्रूव किया कि न्यूटन सही नहीं थे क्योंकि आकाश का जो ढांचा है उसमें मौजूद द्रव्यमान से निर्धारित होता है। अगर चीज़ें गायब हो जाए तो आकाश का कहीं नामोनिशान ही नहीं रहेगा क्योंकि आकाश स्वतंत्र है। जो आकाश खुद दूसरी चीजों पर निर्भर है तो वो किसी को बनाने वाली चीज कैसे बन सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म और पाखंड के द्वारा बनाए गए 5 तत्व वास्तव में तत्व नहीं है, वो मिक्सचर है, यौगिक है, प्रक्रिया मात्र है। इनसे कभी भी कोई शरीर बन ही नहीं सकता क्योंकि ह्यूमन बॉडी हर वो खरव कोशिकाओं से मिलकर बनी है और हर कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है। यार हर तरह के काम को करने के लिए तरह तरह की कोशिकाएं होती हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि एक ह्यूमन बॉडी है जो डेड है। अगर हम उसके एक पार्ट को कट करें तो क्या होगा? क्या उससे आग निकलेगी या हवा निकलेगी? अरे भाई बॉडी है, कोई गुब्बारा थोड़ी है कि उसे फोड़ने पर हवा निकलेगी। हमें इन चीजों को तत्व कहने की पुरानी आदत को उसी तरह छोड़नी पड़ेगी जिस तरह कभी धरती को अचला कहा जाता था। अच्छा आगे भी सुनिए ये क्या कहते हैं। Sound will touch the stone and bounce back in different directions. Because it's a closed room, the sound has to pass out to the main door. And whoever is standing in front will be completely soaked in that energy. मंत्रों के उच्चारण से जो वेव्स निकलती हैं वो सामने खड़े व्यक्ति पर इफेक्ट करती हैं और उसी की प्रूफ के लिए ये एक न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। लेकिन मैं भाई को बताना चाहूंगा, अगर हम किसी भी जगह बोलेंगे ना तो वहां पर भी हमारी वेव्स आएंगी, तो वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, तालियां पीटते रहते हैं, मंत्रों का तांडव चलता रहता है। मंदिर का परिसर ही नहीं बल्कि जो आसपास के इलाके भी हैं वो भी इनको सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं। तो उसमें मंदिर में विज्ञान थोड़ी ना हुआ। आगे सुनिए आगे क्या कहना है। The rhythm of the chant will go inside your parasympathetic nervous system and will put you into deep sleep within 3 to 5 minutes. ये कहते हैं कि ललिता शास्त्रम को सुनने से हमें 3 से 5 मिनट में नींद आ जाएगी और हम रिलैक्स फील करेंगे। 5वीं क्लास का बच्चा भी हंस दे इनकी बातों पर।
कभी मंत्रों से भी, कभी आरती करने से भी कोई सो भी सकता है। इन्होंने रात को सोने के लिए ललिता शास्त्रम और सुबह के लिए विष्णु शास्त्रम बताया है। This they do it in the night. And in the morning they chant Vishnu Sahasranamam, the thousand names of Bhagavan Vishnu. And again these sounds are engineered in such a way that it will wake you up to a peaceful and refreshing state of mind. मंत्रों को सुनने से कभी नींद भी आ सकती है। हमारे चारों तरफ ये लोग मंत्रों में घंटे भर जो मंत्रों का तांडव करते रहते हैं, जब इन्हें नींद नहीं आती। लेकिन अगर धर्म की बात हो जाए तो विज्ञान टपक पड़ता है। सुबह से लेकर मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। नॉर्मली ये दोनों मंत्र भी होते ही होंगे, तो इसके हिसाब से सारा मंदिर लोगों के बॉडी से भर जाता होगा। जो सुनता होगा वो सो तो जाता ही होगा ना। बचपन में हम माँ की लोरी सुनते ही सो जाया करते थे, और आजकल स्टूडेंट्स होते हैं वो किताबों को पढ़ने से सो जाते हैं। अब किताबों में कौन सा मंत्र टपक रहा है, किताबों में कहाँ से ललिता शास्त्र मां टपक पड़ा। पहले तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ के लोगों को सुलाने का नाटक करते थे और कहते थे हम पर ये भगवान की कृपा है, पर यहाँ तो पढ़े लिखे जागरूक लोग इन चिलगोजों की जाल में फंस जाते हैं। अगर इनका बस चले ना तो ललिता शास्त्रम सुनाकर लोगों के घर लूट लें। पता नहीं इन लोगों को डिग्रियां कौन दे देता है। मंत्रों से अगर नींद आती, डिप्रेशन खत्म होता, तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते। The thousand names of Bhagavan Vishnu. And again, these sounds are engineered in such a way that it will wake you up to a peaceful and refreshing state of mind. I'm sure most of you are suffering with painful wake-ups, with such an irritated mind that you can't sleep and you don't enjoy waking up. If you listen to Vishnu Sahasranamam in the morning, it will clear all these clutches in the brain and you will be super fresh when you wake up. विष्णु शास्त्रम में 1000 विष्णु के नाम है और उसके मंत्र को सुनने से आपको सुबह उठते ही फ्रेश फील होगा। जानकारी के लिए बता दूं, अगर एक ह्यूमन नॉर्मली रोज 8 घंटे की नींद लेता है तो सुबह उठते ही वो फ्रेश फील करेगा। हमारे सोने की टाइमिंग से हमारी बॉडी में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनमें हमारा विकास, सुधार, कोशिकाओं का रिलैक्स और मानसिक विकास होता है। आज के टाइम पर कोई भी पर्सन इतना फ्री नहीं है कि आपके मंत्रों को सुनेगा। भाई आपके मंत्रों को सुनेगा कि अपने काम पर ध्यान देगा। कुछ टाइम पहले ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक आए थे जिसने गायत्री मंत्र को मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाली दवा बताई थी कि गायत्री मंत्र सुनो और अपना दिमाग बढ़ाओ। और गायत्री मंत्र से इतना ही दिमाग बढ़ता ना तो लोग स्कूल कॉलेज क्यों जाते, उन्हें आश्रम में भेजते। और जो लोग ये बता रहे हैं वो खुद स्कूली शिक्षा में 5वीं फेल है। टीवी पर आकर अपने आप की खिल्लियाँ उड़वाती है ना, बिल्कुल शर्म नहीं आती। आगे सुनने पर आपको पता चलेगा कि ये विष्णु शास्त्रम और ललिता शास्त्रम मंदिरों में काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर क्यों चल रहा है ये नहीं जानते। इसलिए उन्होंने एक नई खोज की कि इसे सुनने से आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपके पास पैसा आएगा और आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। Or they will say something like it's good for your health, you will get money, pregnancy, etc. क्या कहा? फिर से बोलना तो जरा। You get money, pregnancy, etc. Pregnancy, etc. अच्छा, ललिता शास्त्रम और विष्णु शास्त्रम को सुनने से आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। क्या खोज किया भाई आपने, तो देख लिया इनके विज्ञान को। मुझे अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी जानते हो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती क्या है। ये वही लोग हैं जो इनके ग्रंथों, पुराणों, वेदों आदि में भरा पड़ा है नियोग प्रथा, बलात्कार जैसी गंदगी। और जब इनकी पोल खोलो तो कहेंगे अंग्रेजों ने इनमें मिलावट कर दी है। ये बंदा इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि आगे जाकर दूसरे महान वैज्ञानिक का हवाला भी देता है। He has done a mind-blowing work on temples. Watch these videos, you will get to know things which modern science has no clue of. उसका नाम क्या होता है? प्रवीण मोहन। कौन है ये प्रवीण मोहन? प्रवीण मोहन ये वही है जैसे कुछ टाइम पहले साइंस जर्नी ने पटक पटक के धोया था और उसके पिछवाड़े से सारे वेद पुराणों, मंदिरों का साइंस निकाल दिया था। वो हर मंदिर के साइंस को ढूंढकर लोगों के सामने रखता है। इनके बारे में अभी मैं बता देता हूँ। ये खुद के हाथ में कैमरा लेकर खुद हर मंदिर में पत्थर को लिंगम लिंगम करता फिरता है। 100 साल पुरानी चीज को भी 1000 साल पुराना बताकर उसे अपने धर्म से जोड़ता रहता है। मंदिरों में साइंस बताने के नाम पर ये लिंग ही ढूंढता रहता है। पता नहीं क्या लगाव है इसको लिंग से, वो तो प्रवीण मोहन ही जाने। जरा सोचिए, इन जैसे गपोड़ी आपके समाज को किस दिशा की ओर ले जाएंगे। अगर ये आपके बच्चों के स्कूल में हो तो आपके बच्चे इनसे क्या साइंस सीखेंगे? ये सीखेंगे कि पढ़ना नहीं आता है तो जाओ ललिता शास्त्रम सुनो और जाकर बेंच पर सो जाओ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे।